अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक इन फूड ट्रांसफॉर्मर चैनल। नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं एक यूनिक स्टाइल की कड़ी। आप लोगों ने बेसन की कड़ी खाई ही होगी। आज हम आपको मसूर की दाल से बनाई जाने वाली कड़ी की तरकीब बताएंगे। तरकीब बताने से पहले या इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मसूर की दाल जो है मैंने एक पाव ले ली थी, जिसको मैंने एक घंटा भिगो लिया था। और अब इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स में है, 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं और कड़ी पत्ता लिया है जिसको मैंने धो लिया है। 1 बाउल छोटा जो है वो मैंने इमली का पल्प लिया है। 1 कप दही लिया है। 1 टेबलस्पून भर के हल्दी, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, 1 टेबलस्पून नमक और 2 टेबलस्पून सूखा धनिया सफ़ेद जीरे का पाउडर, 1 अदद प्याज है उसको स्लाइस कटी हुई है और 7 से 8 हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है। 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम जो है वो मसूर की दाल को ग्राइंड कर लेंगे, अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। मसूर की दाल जो है वो मैंने इसमें डाल दी है और अब मैं इसका पेस्ट बनाने लगी हूँ। पेस्ट हमारा रेडी है। अब पैन में 2 खाने के चम्मच में ऑयल डालूंगी। बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि ऑयल पे तड़के में भी इस्तेमाल होगा। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाता है हम डाल देते हैं प्याज, उसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारा जो है वो फ्राई हो रहा है, तब तक हम 3 टमाटर और इनका पेस्ट बना लेते हैं। साथ ही थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल के हम पेस्ट बनाने, बाकी का जो है कड़ी पत्ता हम प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे और कुछ पत्ते जो है वो मैं टमाटर के साथ भी ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि इससे जो है कड़ी का टेस्ट दुबाला हो जाएगा। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। अच्छा, हमारा टोमेटो पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया था ये कड़ी पत्ता के साथ। लहसुन अदरक जो है वो उसका पेस्ट जो है वो अच्छी तरह तरीके से जो है वो फ्राई हो चुका है। अब मैं डालूंगी कड़ी लीव्स, इसको फ्राई कर लूंगी। कड़ी पत्ते डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी। जितना ज़्यादा कड़ी पत्ता आप इस्तेमाल करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी इसमें से। मैं इसमें डाल दूँगी सारे ड्राई मसाले जिनमें हैं हल्दी, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरा और नमक और इसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी मसालों के साथ। अगर आपको मसाला खुश्क लगे या जलने लगे आप 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं 1 टेबल स्पून के करीब पानी शामिल करूंगी। मसाले अच्छी तरीके से भून चुके हैं और बड़ी अच्छी सी कड़ी पत्ते की खुशबू आ रही है। अब डालूंगी टोमेटो पेस्ट और इसको भून लूँगी अच्छे तरीके से और तब तक पकाएंगे जब तक इसका तेल ना निकल आए। चम्मच हिलाएंगे। और इसको पकने देंगे। अब बारी आती है दही को ग्राइंड करने की। दही डालेंगे और साथ ही 1 गिलास के करीब मैं पानी डाल दूँगी और इसको ग्राइंड कर लूँगी। अब जो ग्राइंड किया हुआ दही है वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको पकने दूंगी और साथ ही मैं डाल दूंगी मसूर की दाल जो ग्राइंड की हुई थी वो भी इसी में ही। अब इसमें ये मसूर की दाल का मिक्सचर ये भी मैं डाल दूंगी साथ ही। 2 गिलास के करीब पानी डाल दूँगी पकने के लिए। 2 गिलास के करीब पहले मैंने पानी डाला था, अब इसमें मज़ीद जो है वो
7 से 8 ग्लास पानी डलेगा जो कि इसको पकने में मदद करेगा। ये रेसिपी मेरी अम्मी जान की रेसिपी है जो बनाती हैं कढ़ी मसूर की दाल से, और पूरा घर बड़े शौक से खाता है इसे। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूं, आप लोग ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। इसमें जो उबाल आने तक आप लोगों ने चम्मच इसमें मुसलसल हिलाते रहना है। फ्लेम मेरा हाई है और इसमें मुसलसल मैं चम्मच हिला रही हूँ। मसूर की दाल आप लोग वैसे भी बना सकते हैं, अगर आप बेसन की कढ़ी बनाते हैं उससे ये होता है कि बहुत से लोगों को मैदे का मसला हो जाता है और वो बहुत मैदे पे बोझ करती है। तो ये बहुत, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, उनके लिए बहुत बेस्ट है। अगर वो दाल खा खा के तंग आ जाते हैं या कोई एक नई चीज़ करना चाहते हैं तो ये मसूर की दाल जो है आपको ताकत भी देगी। इसमें विटामिंस, मिनरल्स, वो सब चीज़ें मौजूद हैं जो एक एक्सरसाइज करने वाले बंदे के लिए ज़रूरी होती हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी, तो मेरी तो मोस्ट फेवरेट है। कढ़ी को जो है वो आ गया है बॉयल, और ये बॉयलिंग स्टेज पे है। अब करती हूँ फ्लेम को थोड़ा सा लो और इसको ढक के पकाएंगे हम। फ्लेम हमारी लो हो चुकी है, हमने इसको ढक दिया और आधा घंटा हम इसको पकने देंगे। तब तक हम अपने बेसन के पकोड़े बनाते हैं। जब तक तो इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आधा पाव के करीब मैंने बेसन लिया है। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में बाकी के हमारे पास जो मसाले हैं उसमें है 1 टेबलस्पून के करीब नमक है, और 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, 1 टेबलस्पून हल्दी है, और 1.5 टेबलस्पून सूखा धनिया सफ़ेद ज़ीरा का पाउडर है। ठीक है, साथ ही हमारे पास 1 अदद बारीक कटी स्लाइस कटी हुई प्याज है, हमारे पास 3 से 4 हरी मिर्चों का पेस्ट है, और 1 चुटकी जो खाने का सोडा या मीठा सोडा जिसे कहते हैं वो है हमारे पास, और थोड़ा सा पानी है जिससे हम मैं इसका जो है मिक्सचर रेडी करूँगी। सबसे पहले बेसन में मैं डाल दूँगी तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, इसके बाद डाल दूँगी खाने का सोडा जो कि 1 चुटकी है, और हरी मिर्चों का पेस्ट। साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें बारीक कटी हुई प्याज और थोड़ा थोड़ा सा पानी, और चम्मच से इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत पतला नहीं करना मिक्सचर को, ज़रा गाढ़ा ही रखना है। अब डालेंगे थोड़ा सा मज़ीद पानी। मीठा सोडा डालने के बाद इसको रखना नहीं है मिक्सचर को, इसको फ़ौरन से पकोड़े बनाने हैं, वरना ये ऑयल में जाने के साथ ये जो है बिल्कुल अलग अलग से हो जाएंगे, फट जाएंगे। थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी और जाएगा। और इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे।
आप देख सकते हैं मेरा मिक्सचर ना बहुत ज़्यादा पतला है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल सही है इसकी थिकनेस। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है मैं, ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम एक एक करके पकौड़े डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हम लोग मीडियम रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं होना चाहिए कि ये जो है एकदम से अंदर से पक जाए और कच्चे रह जाए। तो इसको साथ साथ पलटती जाऊंगी जैसे ही गोल्डन होने लगेगा, ताकि सारी साइड इक्वली पकें और जहाँ स्पेस नज़र आता जाएगा वहाँ मैं बाकी के भी डाल दूँगी। पकौड़े हमारे हो गए रेडी और इसको मैं प्लेट में निकालती जाऊंगी। ये देखिए बहुत गोल गोल से बहुत प्यारे से बने हैं। बाकी के भी मैं इसी तरीके से निकाल लूँगी। गोल्डन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना कलर। और ये पूरा इक्वली पक गया है, कच्चा नहीं है। कढ़ी को बनते हुए आधा घंटा हो गया है, अब मैं इसमें डालूंगी इमली का पल्प और हरी मिर्चों का पेस्ट। अब आहिस्ता करके इसमें इमली का पल्प डाल देंगे और इसको मिक्स करेंगे और हरी मिर्चों का पेस्ट। इस स्टेज पे जब दो उबालियाँ आ जाएंगी इसको, तो फिर मैं नमक और मिर्चों का फ्लेवर चेक करूँगी टेस्ट कैसा है इसका, और इसको आप फ्लेम को हाई कर दूँगी और इसको गाढ़ा करूँगी ज़रा इसका पानी। जब तक हमारी गाढ़ी हो रही है तब तक हम बना लेते हैं इसके तड़के के अज्जा। तड़के में क्या क्या जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। एक अदद स्लाइस की हुई प्याज है और चंद दाने जो है वो मोटी साबत लाल मिर्च के, और चंद ही दाने जो है 15 से 20 पत्ते जो है वो कड़ी पत्ता के हैं। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर है। ऑयल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी स्लाइस प्याज और इसको गोल्डन ब्राउन करूँगी। अब इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता और मोटी लाल मिर्च। मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, लाल मिर्च और गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। कढ़ी हमारी आलमोस्ट जो है वो गाढ़ी हो चुकी है और इसमें अब मैं डालूँगी आखिर में पकोड़े शामिल करूँगी और इसको तड़का लगा के आपको दिखाती हूँ। अब इसमें डाल दूँगी पकोड़े। तड़का हमारा रेडी हो गया। तो नाज़रीन ये है मेरी डिश का आज की फाइनल लुक। आप देख सकते हैं मसूर की कढ़ी जो वो कितनी अच्छी बनी है, और साथ ही आप लोग बना सकते हैं मकई की रोटी और हरी चटनी, या आप उसको बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी ये डिश बहुत पसंद आएगी, और मिलती हूँ न्यू रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना।